वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा स्थानांतरण लेकर आए गुरु। यहाँ पर देखिए कहाँ बैठे, सप्तम भाव में। शादी के योग आए, वर वधु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, बहुत अच्छा कारोबार व्यवसाय बढ़ सकता है। अगर आप पहले से ही कोई काम काज में हैं या विवाहित हैं तो आप अपने पति पत्नी मिलकर साथ में काम कर सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। वहीं पर लग्न पर दृष्टि है तो आपकी जो बेचैनी है, जो घबराहट है, इतने दिनों से जो चल विचल है, जो आप बदहवास हो रहे थे, वो बदहवासी खत्म हो जाएगी। धन जो केतु ने रोका हुआ था, जो पैतृक संपत्ति और केसेस विवाद से आप संपूर्णतः परेशान हो गए थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यात्राओं में भरपूर लाभ होगा। कुछ काम आपके आपको छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, विवाहित जीवन सबके साथ मिलकर करने थे, सबसे संबंध अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर मैं ये खुशखबरी देती हूँ कि गुरु के कुछ चुनिंदा लोगों को बहुत फायदे होने वाले हैं। आपकी चल रही है ढैया। लोग जानते हैं कि ढैया में कितना कष्ट होता है, जितना साढ़े साथी में कष्ट नहीं होता उतना ढैया कष्ट दे देती है, और ये ढैया अब कम प्रभाव देगी। आपको जितना राहु ने परेशान किया गुरु के घर में बैठ के, उससे भी आपको आंशिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि आपको गुरु का बल मिलेगा जो कई चीज़ों का कारक और दाता है। तो इतना याद रखिए कि बहुत सारी राशियों के बीच एक वृश्चिक राशि ऐसी है और एक राशि मैंने बताई है पीछे, जिन लोगों को बहुत सारा गुरु के स्थानांतरण से फायदा होने वाला है। आप अगर कोई बिजनेस भी नया खड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपके कार्ड्स पर हैं, आगे बढ़िए, आप गुरु के सारे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप लोगों को गुरु के क्या उपाय करने चाहिए। अब गुरु के बड़े ही सिंपल से कुछ उपाय हैं जो चलते फिरते बिना पैसे के कर सकते हैं। अब हमेशा ऐसे ही उपाय बताती हूँ जो बिना पैसे के किए जाए। देखिए मैंने पिछले अपने वीडियो में गुरु के नक्षत्र बदलने पर कहा था और मैं फिर दोहराती हूँ, आप कृपया वो वीडियो भी देखें कि आप अपने घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करें। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन या रोज हो सके तो रोज किसी मंदिर को विजिट कर दिया करें। अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ का चलन रखें जिससे आपके घर में, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में गुरु तत्व का विकास हो। इसके साथ आपके अपने कोई गुरु होंगे तो आप अपने गुरु की पूर्ण जो है इज्जत और आदर करें, मान सम्मान करें हर स्थिति में, जिससे गुरु तत्व आपके साथ हमेशा रहे। आपकी प्रथम गुरु होती है आपकी माँ, आपके पिता, तो उनके पैर छुएं, उनका आदर सम्मान करें, उनको कोई कमी ना होने दें, तो ये भी गुरु का बहुत बड़ा उपाय है। अब गुरु के लिए हल्दी का सेवन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। लोग हल्दी की गांठ बांध बांध के शादी के लिए अपने पर्स में और अपने हाथों पर लगाते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी खाने के लिए बोल रही हूँ, कच्ची हल्दी अगर आपके शहर में मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सूखी हुई हल्दी, आप उससे एंटीबायोटिक की तरह भी काम होता है उसका। और थोड़ा आप दूध में मिलाकर, तो दूध क्या है, चंद्रमा है, हल्दी क्या है, गुरु है, गुरु चांदनी योग बन जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। और गुरु चांदनी योग बना के अगर आप वीगन नहीं है, अगर आप दूध पी सकते हैं तो अवश्य हल्दी और दूध का सेवन करें, इससे आपका गला भी ठीक रहेगा। और गुरु का आधिपत्य कहाँ कहाँ होता है मैं कई बार अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, आपके गले पे होता है, आपके पेट पे होता है, आपके हिप्स में होता है, आपके नीचे के पैर में होता है, आपके ज्ञान में होता है, आपके हर प्रकार से आपके संतान पक्ष पर गुरु का आधिपत्य होता है, आपके व्यवसाय पर गुरु प्रभाव रखते हैं। इसके साथ गुरु आपके जो है नौकरी पेशा है और उन्नति है या अध्यात्म में रुचि है उस पर अपना प्रभाव रखते हैं। गुरु आपके जीवन में पैसा लाते हैं, धन लाते हैं और क्या कहते हैं, समृद्धि लाते हैं, इसके साथ आपकी ख्याति लाते हैं अच्छी वाली, आपकी बदनामी नहीं होती अगर गुरु अच्छा बैठा होता है, और अगर अच्छा नहीं बैठा होता तो बदनामी होती है। तो ये सब बातें जो हैं गुरु के कंट्रोल में हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे हल्दी और दूध का सेवन या सिर्फ हल्दी और पानी का सेवन, तो भी वो हल्दी कच्ची हल्दी की भी सब्जी बना के या अपने घर में सब्जी में डाल के आप खा सकते हैं। अब
दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुरु जो है वो येलो कलर का प्रतीत होता है आसमान में, तो अपने घर में लाइट पेल येलो के कलर्स करना, अपने कुशंस, अपनी चादरें या अपने अपर बॉडी में पहनना, इससे भी गुरु तत्व का विकास होता है। अब आप माथे पर कहेंगे, अब मैं कॉमन से उपाय बता रही हूँ जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी चुकी हूँ, हल्दी, चंदन और केसर और गंगा जल का तिलक। अब बहुत लोग बोलते हैं हल्दी केसर का तिलक लगा दो, लेकिन गंगा जल डालने से उसमें जो है गुरु चांदनी योग फिर हो जाता है। गंगा जल क्या है? चंद्रमा। गुरु क्या है? आपस में मित्र है चंद्र के साथ। इसी तरह जो गुरु महाराज हैं वो हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में पीले धागों से बांध के अपने पॉकेट में रहने से भी, अब वो सबको नहीं करना है, जो शादी के लिए वर वधु ढूंढ रहे हैं या जिनको रास आते हैं गुरु जिनके कारक हैं, तो उनके लिए ये उत्तम उपाय है। इसके अलावा गुरु जो हैं वो निवास करते हैं केले के वृक्ष में भी, तो केले का वृक्ष अगर आपके घर में इतनी जगह है तो लगाइए, नहीं तो कहीं मंदिर के प्रांगण में कहीं भी है तो उसको जाकर गुरुवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं, ये वर वधु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। कई लोग पीपल के वृक्ष को भी गुरु के समान ही मानते हैं, तो कई लोग जाकर दूध भी चढ़ाते हैं, भले ही आपने घर में भगवान का स्नान किया है तो वो दूध जाके आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं गुरु के, पीले चने की दाल जो है वो भिगो के आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, बेसन खा सकते हैं, बेसन और दूध मिक्स करके अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी हो गए आपके लिए उपाय, और जो कॉमन से उपाय हैं जिसका कोई पैसा नहीं लगता, ये गुरु है विष्णवे नमः का जाप करना या हरे कृष्णा का जाप करना या लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करना भी गुरु की ही कृपा मानी जाती है, या किसी गुरु के संग में रहना और साथ में उनके मंत्र जाप करना भी आप पर गुरु कृपा ही होती है।